वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के 10th लेक्चर को देखने वाले हैं, जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने दूसरे चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उसके नोट्स, असाइनमेंट, एमसीक्यू क्वेश्चन, सारी चीज़ें मैंने अपलोड किया है। उसको लेने के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का, उसको ज्वाइन करना। वहाँ पे आपको क्लासरूम का लिंक मिलेगा, क्लासरूम ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारे मटेरियल, सारे स्टडी मटेरियल्स, जितने भी लाइव सेशंस मैं लेता हूँ आप लोगों के लिए फ्री में, वो सब वहाँ पे मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले DDA एल्गोरिथम के बारे में। इस लेक्चर के बाद आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि DDA एल्गोरिथम समझ में नहीं आता। कई बार बच्चे ये करते हैं, DDA एल्गोरिथम को पूरा रट लेते हैं। उनको ये लगता है कि यार हमें टॉपिक समझ में आ चुका है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक्स इंक्रीमेंट होगा, वाई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे हम स्टेप्स को लेंगे, देन फॉर लूप चलाएंगे। बट उनको ये नहीं पता होता कि हम लोग एक्स इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, वाई इंक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं। उसको जानने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लाइन की नॉलेज होनी चाहिए कि लाइन किस तरीके से जनरेट होता है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, सपोज करो ए से बी मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये किस तरीके से लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक। इस लाइन, इसकी जो पूरी मैकेनिज्म है कि किस तरीके से लाइन को हम जनरेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपकी DDA एल्गोरिथम क्लियर होगी। अगर आपको लाइन ड्रॉ करना नहीं आता, लाइन जनरेट करना नहीं आता, अगर आपको लाइन की बेसिक चीजें नहीं पता कि लाइन किस तरीके से बन रहा है, तो आपको कभी भी एल्गोरिथम समझ में नहीं आएगा। एल्गोरिथम को रटना बहुत ही आसान है, बट एल्गोरिथम को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लाइफ में कभी भी बड़े इंजीनियर बनते हैं तो आप खुद की एल्गोरिथम डिजाइन कर सकें, ठीक है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग लाइन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर हम लोग ये देखते हैं कि आखिर लाइन यहां से यहां तक ड्रॉ होता कैसे है, और उसी चीज को हम लोग कोडिंग के फॉर्म में दिखा देंगे। बहुत ही सिंपल है, बट अगर आपने इस स्टेप्स को फॉलो किया तो आप ये एल्गोरिथम कभी नहीं भूलेंगे। कभी एक दो स्टेप्स मिस भी अगर हो जाएंगे तो आप वहां से तुरंत पकड़ लेंगे यहां इसके बाद क्या हुआ होगा, लॉजिकली, रट के नहीं। आपको रटना नहीं कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना है हमें, नहीं। एल्गोरिथम हमेशा समझा जाता है कि इस स्टेप के बाद आपको कौन सी स्टेप वहां पर डाली, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम लोग लाइन की बेसिक चीजें जानते हैं। कभी भी कोई लाइन ड्रॉ होती है तो हमेशा एक्सिस पे होती है, ठीक है। ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है। सपोज करो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारा लाइन है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा लाइन ड्रॉ हुआ, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्स, सपोज करो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहां से यहां तक, इसको हमने बोला ए, इसको बोला हमने बी। अब यहां से यहां तक जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसके पीछे के मैकेनिज्म आपको समझनी होगी। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चीजें प्रेजेंट हो रही हैं वो किसकी कलेक्शन है, पिक्सल्स की कलेक्शन। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी चीज पिक्सल्स के डॉट 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 जो पिक्सल्स होते हैं उससे मिलके बनती है, ठीक है। यहां पे डॉट 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 बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉट यहां से यहां तक जाएंगे तो एक लाइन जनरेट होगा, राइट। यहां से यहां तक डॉट जाएंगे तो एक लाइन जनरेट होगा। अब इस डॉट को यहां से यहां तक हमें पहुंचाना कैसे है, ये इस एल्गोरिथम में हमें पढ़ना होता है। बट इस जो भी यहां से हमने यहां पे स्टार्ट, सपोज करो ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है X1, Y1 coordinates, क्योंकि हमेशा जब भी हम लाइन की बात करें तो coordinates के रूप में होता है कि एक coordinate होगा जहां से आपकी लाइन स्टार्ट होगी, XY। अब XY क्यों, क्योंकि टू डायमेंशनल फिगर होता है, कभी भी सिंगल डायमेंशनल फिगर नहीं है, ये टू डायमेंशनल फिगर है। तो यहां पे X1, Y1 हुआ, मतलब जहां से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, यहां जहां पे आपकी लाइन खत्म हो रही है, X2, Y2, ठीक है। अब ये एक कलेक्शन है पिक्सल्स का, तो अब ये पिक्सल्स का कलेक्शन होता है तो यहां से यहां तक लाइन को किस तरीके से पहुंचाना है, हम इतना ही दूर कैसे पहुंचाएंगे, ये इतनी जो लेंथ है ये हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, पिक्सल की जो विड्थ होगी वो हम लोग किस तरीके से कंसिडर करेंगे, तो उसको हम लोग दूसरे एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। ये बेसिक लाइन की जो फंक्शन थी वो थी, जिसमें हम लोग स्लोप वगैरह देखते हैं। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहां पे समझना कि हम पिक्सल्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सपोज करो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, एक ही ये है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे मैं सपोज करूँ यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस लेता हूँ। हम सबको पता है कि पिक्सल्स डॉट डॉट से मिल डॉट डॉट से मिलके एक हम पिक्चर का जनरेशन करते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सपोज करो मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरीके से एक्स इंक्रीमेंट लेते हैं, वाई इंक्रीमेंट लेते हैं। सपोज करो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक जाएगी,
ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे होती है, अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ हमें लाइन कहाँ से ड्रॉ करना है, थ्री से और यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। अब ये पॉइंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है, x का कोऑर्डिनेट देखो, ये हमारा होता है x एक्सिस, ये होती है हमारी y एक्सिस, ठीक है, ये y है, ये x है। x का कोऑर्डिनेट देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट जीरो से स्टार्ट है, राइट, यहाँ से पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, और y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी कोऑर्डिनेट होगी, इनिशियल कोऑर्डिनेट होगी, सपोज करो जीरो, जीरो और थ्री हमारी इनिशियल कोऑर्डिनेट होगी, ये जा कहाँ तक रहा है, x कोऑर्डिनेट है यहाँ फाइव तक, फाइव तक जा रहा है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, अभी भी थ्री ही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, y कोऑर्डिनेट बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा, बस x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमारा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारा, ये है हमारा फाइव और थ्री, फाइव और थ्री मतलब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट, ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक अगर हमें ड्रॉ करना, तो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हम किसको आगे बढ़ाएंगे, x को बढ़ाएंगे या y को बढ़ाएंगे आगे, बताओ आप। अब ये आपको अगर देखना है कि हमें x को आगे बढ़ाना है, y को अगर हमें कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे y की वैल्यू 3 है पहले, यहाँ पे भी 3 है, अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। y की वैल्यू बदल रही है क्या, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 0 3, फिर दूसरा 1 3, फिर 2 3, फिर 3 3, फिर 4 3, फिर 5 3, मतलब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, y की वैल्यू नहीं बदल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ में आया है आपको कि x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट क्यों करते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो डिफरेंस होती है, जो हम लोग आपके एल्गोरिथम में बोलते हैं कि हमें इसका डिफरेंस चाहिए, कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए कि x1 y1 x2 y2 के बीच में, अगर हमें ये निकालना है कि कितने स्टेप्स हम आगे बढ़ेंगे, सपोज करो यहाँ से आपको तो ये बॉक्स के रूप में तो आपको समझ में आ रहा है, बट अगर हमारे पास सिंपल एक लाइन यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना स्टेप आगे बढ़ना है, कितना स्टेप्स आगे बढ़ना है, मतलब सपोज करो आपके पास पिक्सल एक डॉट है, ठीक है, और डॉट की विड्थ इतनी है, तो आपको कितना स्टेप आगे बढ़ेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएँ, ये हम कैसे फिगर आउट करेंगे, तो हमें एक्स इनिशियल पोजिशन से एक्स वन वाई वन एक्स टू और वाई टू, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को हटा दिया, तो हमें समझ में आ जाए कितना स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो रहा है। ये पार्ट अगर हमें निकालना है कि हम कितना स्टेप आगे बढ़ेंगे कि हमारी लाइन ड्रॉ हो जाए कंप्लीट, उसके लिए हमें क्या करना, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे करते हैं, फिर हमारे पास x1 y1 है, x2 y2, तो हम लोग क्या करेंगे, x डिफरेंस ऑफ x, मतलब डिफरेंस ऑफ x पहले निकालेंगे, x2 माइनस x1 डिफरेंस ऑफ y y2 माइनस y1, ठीक है, हमने डिफरेंस निकाले, इसको हम लोग डेल्टा x भी बोलते हैं, डेल्टा y भी बोलते हैं, ठीक है, हमने डिफरेंस निकाल लिया, डेल्टा x का डिफरेंस निकाल लिया, चलो मैं डेल्टा ही लिखता हूँ, डेल्टा y निकाल लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही, ताकि हमें स्टेप्स पता चले कि कौन सा स्टेप, कितना स्टेप हमें आगे बढ़ना है। x2 क्या है हमारा, 5 है, 5 माइनस 0, x1 क्या था, 5, तो डेल्टा x क्या आया, 5 आया, y2 क्या है हमारा, 3 है, और y1 क्या था हमारा, 3 था, तो y2 माइनस y1 दैट मींस कि 3 माइनस 3 0, डेल्टा x की वैल्यू 5 है, डेल्टा y की वैल्यू 0, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है हम उसको स्टेप्स मान लेते हैं, ये कंडीशन होता है, तो वैल्यू किसकी बड़ी है, डेल्टा x की बड़ी, तो स्टेप्स क्या हो जाएंगे हमारे, स्टेप्स हो जाएगा हमारा डेल्टा x इक्वल्स टू 5, मतलब हमें 5 स्टेप आगे बढ़ना है। ये चीज़ें समझ में आई आपको कि आपको कितनी स्टेप आगे बढ़ना है, ये यहाँ से डिसाइड हुआ, डेल्टा x में x x2 माइनस x1 करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन y का भी करेंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उतना स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ये आपको इतना स्टेप आगे बढ़ना है आगे जाके, ठीक है, मतलब इतना स्टेप हमें आगे जाना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम ये निकालते हैं कि जितनी कितनी वैल्यू हमारी बढ़ेगी, हमारा जो पिक्सल्स है, हमें ये समझ में आया कि इतना स्टेप हमें आगे जाना है, और हमें ये भी समझ में आया कि हमारे पास एक पिक्सल की डॉट है, बट सपोज करो कि हमें एक इतना बड़ा लाइन लेना है, ठीक है, और हमें 5 स्टेप में ही इसको कंप्लीट करना है, तो क्या हम इतनी छोटी डॉट से 5 स्टेप में कवर कर पाएंगे क्या, 5 स्टेप तो यहीं पे हो गया,
ये लाइन पूरी फुल हो पाई क्या? नहीं हो पाई ना। तो अब हमें यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्स को हम कितना इंक्रीमेंट करें, कितना बढ़ाएं। सपोज करो हमें चाहिए क्या, हम इतना बड़ा बड़ा पिक्सल्स लेंगे तो हमारी लाइन फुल हो जाएगी। तो मतलब हमें एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट पता होना चाहिए कि हम एक्स को कितना बढ़ाएंगे और वाई को कितना बढ़ाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन में वाई बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा, बस एक्स बढ़ रहा है। तो आपको बस एक्स को बढ़ाना होगा। बट हम यहाँ पे एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट दोनों की वैल्यू को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट, ताकि हमें समझ में आए कि हम पाँच स्टेप के अंदर में कितने एक्स बढ़ाने हैं और कितने वाई बढ़ाने हैं। तो एक्स इंक्रीमेंट कैसे निकलेगा? एक्स इंक्रीमेंट कि हम एक्स को कितना बढ़ाएं, तो वो कैसे निकलेगा? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय स्टेप्स। क्या करो, जो आपने डिफरेंस निकाला है एक्स टू माइनस एक्स वन का, उससे आप डिवाइड कर दो स्टेप्स को अपने, ठीक है? तो कितना आएगा ये एक्स इंक्रीमेंट कितना हमारा 5 है, सॉरी डेल्टा एक्स कितना हमारा 5 है और स्टेप्स कितनी हमारी 5 है, मतलब 5 बाई 5 इक्वल्स टू 1। मतलब एक्स को 1 से बढ़ाओ, वाई इंक्रीमेंट निकालो, वाई इंक्रीमेंट डेल्टा वाई, डेल्टा वाई बाई स्टेप्स। डेल्टा वाई क्या है हमारा? 0, 0 बाई 5 मतलब कुछ नहीं, 0, ठीक है? तो y को 0 से बढ़ाओ। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास इंक्रीमेंट वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। अब हम यहाँ से एक टेबल बना सकते हैं। अब आपको टेबल जनरेशन के मैं बता दूँगा कि आप किस तरीके से एग्जाम में अपने टेबल बना लेंगे, क्योंकि टेबल बनाना इंपॉर्टेंट। अब आप, हमारे पास क्या है, एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, यहाँ पे डेल्टा एक्स डिफरेंस पता है, स्टेप्स पता है हमें कितने स्टेप्स जाना है, और हमें टेबल भी इससे समझ में आ जाएगा एक्स को कितना इंक्रीमेंट करना है, वाई को कितना इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? अब हम लोग टेबल बनाते हैं एक्स वाई, ठीक है? क्या कोऑर्डिनेट है? 0 3 सबसे पहला, 0 3। एक्स को हमें कितना बढ़ाना है, एक्स इंक्रीमेंट देखो, एक्स को कितना बढ़ाना, वाई को कितना बढ़ाना है, एक्स को कितना बढ़ाना है 1 से, तो ये 0 1 हो जाएगा, वाई को 0, वाई को मतलब नहीं बढ़ाना, तो वाई को हम लोग 3 ही रहने देंगे, ठीक है? एक्स को 2, फिर 3 3 3, 4 4 5, सॉरी ये एक्स, वाई की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी, नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से हम लोग 3 3 6 6, अगर हम लोग 6 तक जाना है तो हम 6 तक इस तरीके से जा सकते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है आपको टेबल बनाने की, किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं। जब भी हम लोग पिक्सल्स की बात करते हैं, जब भी एक लाइन ड्रॉ होती है, वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होता है, उस टाइम पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पिक्सल्स कितना बढ़ाना है, कितने स्टेप तक आपको जाना है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर करते हैं, एक्स वन को एक्स टू को, वाई वन को वाई टू को, फिर उन दोनों के डिफरेंस को निकालते हैं ताकि हमें स्टेप्स समझ में आए। आपसे कभी ओरल्स में से पूछा जाएगा कि ये हम डिफरेंस आखिर निकालते क्यों, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इसको हम लोग डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बोलते हैं, इसको हम लोग निकालते क्यों? तो उसको निकालने का सिंपल सा रीज़न है कि हमें स्टेप्स को कंसिडर करना है, कि हमें कितने स्टेप्स आगे बढ़ने, और वो हमें कैसे पता चलेगा? जब तक हम इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे नहीं। सपोज करो आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, पुणे से बॉम्बे जाना है, तो आपको उसकी दूरी कैसे पता चलेगी? पुणे के डिस्टेंस से बॉम्बे के डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट है उसको डिवाइड करेंगे तब तो समझ में आएगा ना, कि वहाँ से इसको माइनस करेंगे तब वो समझ में आएगा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इससे हम लोग स्टेप्स निकालेंगे, फिर हम लोग एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट निकालेंगे। दैट मीन्स कि आपको कितना बढ़ा के करना है। सपोज को जब हम लूप चलाएंगे, जब पिक्सल्स, क्योंकि पिक्सल्स की कुछ पिक्सल ये है, डॉट है, सिंगल डॉट है, बट हम अपने डॉट को कितना बढ़ाएंगे कि हम 5 स्टेप में अपने लाइन को ड्रॉ कर ले, तो ये मतलब होता है एक्स इंक्रीमेंट का और वाई इंक्रीमेंट का। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है, स्टेप्स निकालना है, और एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट निकालना है, ठीक है? मैं एक बार फ्रेश से इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपकी कोड लिखता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करूँगा आपको। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? यहाँ पे डी डी एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है, बहुत जगह कन्फ्यूज़न में बताया गया ये टॉपिक को। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको जानबूझ के आपके सामने सिंपल तरीके से बताया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है? मैं इसमें बहुत सारी डीप स्टडी भी होती हैं, बट MSBT डिप्लोमा के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट उतनी नहीं होती। बहुत डीप में जाना, आपको डी डी एल्गोरिथम का सिंपल सा मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है? मेरी टारगेट होती है कि मेरी जो MSBT डिप्लोमा की जो ऑडियंस है उनकी चीज़ें क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे जब भी हम लोग कोड लिखेंगे तो हम लोग 2-3 बातों का ध्यान पहले रखेंगे कि हमें पहले क्या क्या इन किन चीज़ों को कंसिडर करना है, ठीक है? मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ कि हमें किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ
एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें स्टेप्स निकालना है, कितना स्टेप्स हम लोग आगे जाएंगे, उसके बाद हमें एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट, बस हमें इन पांच चीज़ों को कंसिडर करना है। जब भी आप एल्गोरिथम लिखते हैं आपके ध्यान में होना चाहिए कि यार ये चीज़ों को हमें कंसिडर करना है, डिफरेंस ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ वाई, स्टेप्स कितना स्टेप आगे बढ़ेंगे और कितना बढ़ाएंगे, एक्स को कितना इंक्रीमेंट करेंगे, वाई को कितना इंक्रीमेंट करेंगे। अब जब स्ट्रेट लाइन की बात आती है, सपोज करो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें वाई इंक्रीमेंट होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे बस एक्स बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। अब ये वर्टिकल लाइन है, इसमें एक्स वाई एक्स इंक्रीमेंट होगा या वाई इंक्रीमेंट होगा, इसमें वाई इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे एक्स इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आपको इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगी। यहाँ पे वर्टिकल लाइन में एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू जीरो ही आएगी, वाई इंक्रीमेंट, और सपोज करो ऐसा लाइन है तो यहाँ पे दोनों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की कोऑर्डिनेट भी बढ़ रही है, एक्स की कोऑर्डिनेट भी बढ़ रही है और वाई की कोऑर्डिनेट भी बढ़ रही है, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वहाँ पे कोई एक ही कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, बट जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी एंगल पे अगर लाइन होगी तो वहाँ पे हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स को बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अब ये मतलब समझ में आया है कि हम लोग डिफरेंस क्यों निकालते हैं, स्टेप्स को क्यों कंसिडर करते हैं और एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट क्यों निकालते हैं। अब बहुत ही फटाफट हम लोग इसके कोड को लिख लेते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसके कोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एल्गोरिथम के सबसे पहले स्टेप में एल्गोरिथम का क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स को एक्सेप्ट करेंगे, एक्स वन को, वाई वन को, एक्स टू को, वाई टू को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीड कोऑर्डिनेट्स या वैल्यूज लिखो आप, एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वन की वैल्यू को, ये मैं एल्गोरिथम लिख रहा हूँ आपके लिए, बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स के टर्म में आप किस तरीके से कोडिंग के रूप में प्रेजेंट करेंगे अपने एल्गोरिथम को कंप्यूटर ग्राफिक्स में, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने ये कर लिया, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मैंने वो क्या बताया था सबसे पहले निकालने के लिए, डिफरेंस, जी हाँ डिफरेंस, डी एक्स निकालेंगे, डी एक्स मतलब बोले तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, डी वाई निकालेंगे, वाई टू माइनस वाई वन। अब हमारे पास डिफरेंस आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स वाई टू माइनस वाई वन का। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हम कितना स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, हम कितनी दूरी तय करने वाले हैं, वो कैसे निकलेगा। अब इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा ना, हम उसको ही कंसिडर करते हैं हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ डी एक्स बड़ा है डी वाई से तो स्टेप्स इक्वल्स टू डी एक्स, क्लियर हुआ, सेमी कॉलन सेमी कॉलन सेमी कॉलन, ठीक है। अगर डी एक्स बड़ा है डी वाई से तो स्टेप्स इक्वल टू डी एक्स, मतलब स्टेप्स में कंसिडर हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। अगर एल्स क्या होगा, एल्स स्टेप्स इक्वल्स टू डी वाई, ठीक है। अगर डी एक्स में डी एक्स डी वाई से बड़ा है तो डी एक्स को हम लोग स्टेप ले लेंगे, अगर डी वाई बड़ा है तो डी वाई को स्टेप्स ले लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपकी वर्टिकल लाइन हो सकती है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, एक्स बढ़ेगा, वर्टिकल लाइन में क्या होगा, वाई बढ़ेगा। तो इस वजह से हम लोग दोनों को कंसिडर करते हैं कि अगर डी एक्स बड़ा है तो डी एक्स को स्टेप्स मान लो, डी वाई बड़ा है तो डी वाई को स्टेप्स मान लो, ठीक है। अब हमने ये कर लिया, डी एक्स निकाल लिया, डी वाई निकाल लिया, हमें स्टेप्स पता चल चुके। अब हम क्या करेंगे, एक्स को, एक्स कितना बढ़ेगा वो हम निकाल, ठीक है। तो x इंक्रीमेंट को मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, x इंक्रीमेंट का dx by step, मतलब ये स्टेप में हम कितना बढ़ाएं कि हमारा ये पूरा स्टेप क्लियर हो जाए। हमारे पास स्टेप्स है, टोटल स्टेप्स है, सपोज करो हमारे पांच स्टेप में हमें कंप्लीट करना है, मुझे यहां से जंप करके वहां तक जाना है पांच स्टेप में, 1 2 3 4 5, तो ये मुझे डिसाइड करना होगा कि मेरी स्टेप्स कितनी बड़ी होगी, क्लियर है। एक्स इंक्रीमेंट का वही मतलब होता है, ऐसे आपको कहीं पे भी किसी बुक में नहीं मिलेगा डेफिनेशन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट इस यही मतलब होता है। सपोज करो मुझे वहाँ तक जाना है पांच स्टेप में, ठीक है, या फिर मुझे ये जो बोर्ड की जो लेंथ है ये कवर करना है तीन स्टेप में, ठीक है, 1 2 3 यहाँ तीन में, ठीक है। तो अब ये मुझे डिसाइड करना हो कि मेरी स्टेप्स कितनी, सपोज करो मैं एक ही स्टेप में चला गया तो ये गलती हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कितनी स्टेप को आगे बढ़ाना है, मतलब हमारा स्टेप की जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट दोनों निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, स्टेप्स को डी एक्स से डिवाइड कर दो और वाई इंक्रीमेंट डी वाई बाई स्टेप्स,
ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है हमारे पास। हमारे पास x इंक्रीमेंट है, y इंक्रीमेंट है, स्टेप्स है, और x1 y1 की वैल्यू भी है। हमें पता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें पता है कि हमें कितने स्टेप में जाना है। देखो मैं ब्लैक से करता हूँ, हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, हमें पता है कि हमें कितने स्टेप्स जाने हैं, ये पार्ट कितने स्टेप में कंप्लीट करना है, हमें पता है कि हमें कितनी वैल्यू को आगे बढ़ाना है, x को कितना से इंक्रीमेंट करना है, y को कितने से इंक्रीमेंट करना है। अब क्या करेंगे, अब फाइनली इसका लूप चला देंगे, क्या करेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन बताओ क्या होगा, कितने से छोटा होगा। सपोज करो मुझे यहाँ से यहाँ तक 3 स्टेप में जाना है, तो मुझे ये पूरा पार्ट 3 स्टेप में ही कंप्लीट करना होगा, 3 से कम में, ठीक है। अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो मुझे 3 से कम में कंप्लीट करना होगा, 1 2 3। अगर स्टेप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लॉजिक गलत हो जाएगी, तो i को लेस देन स्टेप से होना पड़ेगा। मतलब i की जो वैल्यू है, लूप कब तक चलेगा, 1 2 3, मतलब मुझे 3 तक ही, 3 कदम ही आगे बढ़ाने, मतलब लूप चलेगा स्टेप से कम तक। और आई प्लस प्लस फॉर लूप आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन स्टेप्स, आई प्लस प्लस, उसके अंदर सिंपली पुट पिक्सल कर दो, पुट पिक्सल मतलब पिक्सल को प्रेजेंट करो, x1 y1, ठीक है, क्लियर है, x1 पुट पिक्सल, मैंने x1 y1 कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमने x1 और y1 को दिखा दिया यहाँ पे, मतलब हमने यहाँ पे x1 एक पिक्सल ड्रॉ कर दिया, बट अब उसको आगे भी तो बढ़ाना है ना, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना स्टेप जंप करना है, दैट इज x इंक्रीमेंट और y इंक्रीमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे x इंक्रीमेंट को, फिर इसमें प्लस कर देंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, देखो आगे बढ़ाते जाएंगे इसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 इक्वल्स टू x1 प्लस x इंक्रीमेंट, जितना से आगे बढ़ाना उसको प्लस कर दो उसमें, y1 में क्या करो, y1 प्लस y इंक्रीमेंट, ठीक है, बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे कोडिंग, सिंपल कोडिंग, बहुत ही सिंपल कोडिंग। आई डोंट नो आप लोग क्यों कन्फ्यूज होते हैं DDA एल्गोरिथम में। होता है कई बार कि जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको DDA एल्गोरिथम सीधा ये बता दिया जाता है डायरेक्ट यहाँ पे, कि आप dx dy निकालो, आप स्टेप्स निकालो, x इंक्रीमेंट करो, y इंक्रीमेंट करो, अब लूप चला दो। बट ये हुआ क्यों, आपको ये समझना है कि ये हमने dy और dx निकाला क्यों, हमने स्टेप्स क्यों निकाला, हमने x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट किया क्यों, ये आपको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझा तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये किस चीज़ का कलेक्शन, यहाँ दैट मीन्स कि हम ए से बी पे अगर जा रहे हैं तो ये पिक्सल्स का कलेक्शन है, डॉट 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 करते करते हम वहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स इंक्रीमेंट की वैल्यू किस तरीके से आगे बढ़ेगी, वाई इंक्रीमेंट की वैल्यू किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो आई थिंक आपकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी DDA एल्गोरिथम के बारे में। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स लेना है x1 y1 x2 y2। x1 y1 क्या होगा, हमारी इनिशियल कोऑर्डिनेट जहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें दोनों की डिफरेंस निकालना। अभी हमें ये क्यों निकालना, ताकि हमें स्टेप समझ में आए कि हमें कितना स्टेप आगे बढ़ना है। अगर हमें वहाँ से यहाँ की दूरी नहीं पता होगी तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ना, कि अगर हमें वहां से यहां तक की दूरी ही नहीं पता तो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहां से वहां तक की दूरी पता होनी चाहिए कि अगर हमें यहां से यहां तक जाना है तो इसकी दूरी क्या है। तो हम उसके लिए dx और dy निकालेंगे। dx का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ x, x2 - x1, जहां पहुंचना है उसकी कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट जहां से आपने स्टार्ट किया। तो dx इक्वल्स टू x2 - x1, dy इक्वल्स टू y2 - y1। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा हम उसको स्टेप्स कंसिडर करेंगे कि हाँ हमें इतने स्टेप्स के आगे जाना है, ठीक है। तो हमने स्टेप्स कंसीडर कर लिया, उसके बाद हमें यहां से वहां तक जाना है, अगर लाइन ड्रॉ करनी यहां से वहां तक, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो स्टेप्स है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा विड्थ की होनी चाहिए। तो हम उसके लिए एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट निकालेंगे, dx by steps, dy by steps। उसके बाद हम इसको लूप में सरसे चला देंगे, पुट पिक्सल x1 y1 को प्रिंट कर देंगे, और x1 में जोड़ते जाएंगे x इंक्रीमेंट को, x1 equals to x1 plus x इंक्रीमेंट, y1 equals to y1 plus y इंक्रीमेंट।
ठीक है, ये पूरी DDA एल्गोरिथम होती है। आई थिंक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लो, और इससे भी ज़्यादा बेटर होगा कि आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि आपको सारे नोट्स, MCQ क्वेश्चंस, इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और लाइव सेशन जब मैं आपकी लूँ तो आपको सारे अटेंड करने का मौका मिले। MSBT डिप्लोमा में हम लोग एक्सपर्ट हैं आपके रैंक को बूस्ट करने में। हमारी जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है थर्ड ईयर के लिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेकेंड ईयर में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो, तब जाके आप थर्ड ईयर में हमारे साथ इंटर्नशिप कर पाएंगे, हमारे साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर पाएंगे, कोर्स में आ पाएंगे। तो वो चीज़ के लिए अभी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसलिए कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, मैं आपकी डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।